नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सबको फिर से स्वागत। मैं आज फोटोकॉपियर मशीन से जो प्रिंट खराब निकलता है, मतलब लाइट सा प्रिंट होता है, कहीं साइड में लाइट प्रिंट होता है, कहीं साइड में डीप होता है, कहीं पे आता कहीं नहीं आता है, इसी रिलेटेड जो आपको हम आज का जो वीडियो है वो वीडियो पूरा क्लीन से आपको दिखाएंगे। ये जो लेजर लैम्प रहता है फोटोकॉपियर मशीन का मेन यूनिट है, फोटोकॉपियर मशीन का मेन यूनिट जो लेजर लैंप है, वो लेजर लैंप को कैसे क्लीन करते हैं, लेजर जिसको कहा जाता है फोटोकॉपियर मशीन का लेजर, जो आप सिनेमा हॉल में जो लेजर से आपको पर्दे पे इमेज दिखाया जाता है, उसी तरीके का इस फोटोकॉपियर मशीन में भी लेजर रहता है। उस लेजर को क्लीन कैसे करते हैं, उसको कैसे खोलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। पूरा डिटेल्स देखिए तो आपको समझ में आएगा लेजर लैंप से क्या क्या तकलीफ हो सकता है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, तो लेजर लैंप से क्या क्या तकलीफ हो सकता है आप खुद भी आइडिया लगाएंगे। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन में जाकर हम लेजर लैंप को खोलना और उसको लगाना भी दिखाएंगे, और लेजर लैंप को क्लीन करके भी आपको दिखाएंगे कैसे लेजर लैंप को क्लीन करते हैं। लेजर लैंप में जो रहता है एक कैमरा, उस कैमरा को भी आपको साफ करके दिखाएंगे। कैमरा कहाँ पे रहता है, कहाँ पे लेजर लैंप से कहाँ पे कौन सा फंक्शन रहता है, कौन सा चीज आपको साफ करना चाहिए, जिससे कि आपका वो जो प्रॉब्लम है लाइट से प्रिंट होना, कोई भी साइड में प्रिंट नहीं आ रहा है, कोई भी साइड में आ रहा है, कोई साइड कहीं पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो चलिए उसको हम खोल के क्लीन करके आपको दिखाएंगे लेजर लैंप कहाँ को कहाँ कौन सा जगह पर आपको क्लीन करना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल हम पूरा अच्छी तरीके से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं फोटोकॉपियर मशीन में चल के। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फोटोकॉपियर मशीन में जो आपका वो लेजर लैंप है, लेजर लैंप कहाँ पे रहता है, कैसे उसको निकालना है, हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे, खोल के डिटेल्स में दिखाएंगे। अगर आप भी आपका अगर मशीन खोलना चाहते हैं खुद अपने हाथों से खोल के भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। मतलब फोटोकॉपियर मशीन में जो लेजर रहता है, मेन पार्ट है जो लेजर, वो लेजर यूनिट को खोलना है और उसको क्लीन करना है। तो देखिए लेजर यूनिट को कैसे खोलेंगे, हम खोल के दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं लेजर यूनिट को और उसको साफ करना भी। तो चलिए इसको खोलना है, कुछ हिस्सों तक खोलना है, बिल्कुल आसानी है, कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे आप ड्राम निकालते हैं, डीपी बॉक्स निकालते हैं, उसी तरीके से इसको भी निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे चार टू स्क्रू है, चार टू स्क्रू खोलना है, बाकी पार्ट कुछ भी ना खोलने से भी काम होगा। सिर्फ इस चार टू पार्ट को, ये जो है हिस्सा, इस हिस्से को खोलना है और इसको उतारना है। दो ढक्कन को उठाने से आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए हम स्क्रू को खोल लेते हैं, तो खोलना तक हम नहीं दिखाएंगे, उसका बाद ही आपको दिखाएंगे। ये पुश कर देते हैं, तो देखिए इसको हम थोड़ा फास्ट करके दिखाते हैं। हम ये वीडियो थोड़ा यहाँ से कुछ हिस्से तक फास्ट रहेगा। और ये जो ढक्कन है, यहाँ पे जो कवर है, इस कवर को उतर लेना होगा। हम पहले से स्क्रू यहाँ पे खोल के रखे हैं, तो उतार दिया, बस बिल्कुल इतना ही है। अब है यहाँ पे इसको उतारना, इसको हम उतार देते हैं। यहाँ पे थोड़ा लॉक है, इस लॉक के लिए एक खोलना नहीं चाहता, ये यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक में यहाँ पे लग रहता है। तो देखिए आप भी इसको निकाल सकते हैं और इसको उतार दीजिए। बस यहाँ पे देख लीजिए आपको, ये जो है यूनिट, ये लेजर यूनिट है। इस लेजर यूनिट बिल्कुल आसानी है, सिर्फ एक ही स्क्रू से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे एक स्क्रू है, इससे ही जुड़ा रहता है और कुछ नहीं। और वायर का जो कनेक्शन है, यहाँ पे एक वायर कनेक्शन रहता है और एक वायर कनेक्शन यहाँ पे रहता है, ये वाला, ये वायर को खोलिए और इस वायर को खोलिए और यहाँ का एक स्क्रू खोलिए, बाकी इसको निकालिए, बिल्कुल बाहर निकल आएगा। तो चलिए हम आपको निकालना दिखा देते हैं। बिल्कुल आप भी अगर आपको परेशानी ना हो, उस हिसाब से हम थोड़ा अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलना है। यहाँ पे जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को पहले हम खोल देते हैं। यहाँ पे एक लॉक रहता है, जैक लॉक रहता है, इसको खोलिए, खोल के इसको धीरे से बाहर को खींचिए, ये निकल आया।
ठीक है, ये निकल आया। और ये जो वायर है यहाँ पे, थोड़ा हम करीब करके दिखाते हैं, इसको बाहर को खींचिए, ये भी निकल आएगा, ये निकल गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है वो। और एक वायर के बारे में आपको नहीं बताया, यहाँ पे और एक वायर है, इसको भी निकाल लीजिए। इस वायर को भी बाहर को निकालिए, ये निकल गया। ये तीन ठो वायर कनेक्शन रहता है लेजर यूनिट में। तो देखिए, आप इसको स्क्रू से आप खोल देते हैं, थोड़ा कैमरा को हाइड कर दे जिससे कि आपको समझ में आए। सारा वीडियो खुद अपने हाथों से करते हैं, इसीलिए कैमरा को सेट करना भी पड़ता है। तो देखिए, वायर जो है तीन ठो वायर कनेक्शन, ये तीनों वायर कनेक्शन हम खोल दिया है। और यहाँ का स्क्रू को, यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, इस जगह से स्क्रू को खोला जा सकता है। बस सिंपल सा है, सिर्फ इस स्क्रू को खोल दीजिए और तीन ठो वायर खोल दिया, इसको हटाइए। सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी है, यहाँ लगाने भी बहुत बिल्कुल आसान है। देख लीजिए, आप भी लगा पाएंगे। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट पे बैठता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको लगाने में, बिल्कुल एक ही सिस्टम है, यहाँ कोई उल्टा सीधा नहीं होगा आपका। ये खोल चुका है, आप सिंपल सर इसको बाहर को खींचिए, धीरे से खींचिए, निकल आएगा। इसको थोड़ा ऊपर से करके बाहर को खींचिए, दिखा देते हैं, ये ऐसा रहता है। इसको थोड़ा ऊपर को पुश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्लास्टिक का नॉब रहता है जिससे उस पर फंस रहता है। इसका बाहर को खींचिए, निकल आएगा। तो देखिए, ये जो बॉक्स है इसको हम निकाल लिया है। अब कैमरा को थोड़ा सेट कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ पाए हम। तो देखिए, इसको खोलना अब दिखाते हैं, गंदगी लगे है या नहीं लगे है। यहाँ पे लॉक रहता है, पुश लॉक, इस लॉक से लॉक को बस आपको बाहर को खींचना है। उससे पहले यहाँ पे जो स्क्रू है, स्क्रू को निकालना है और ये तीन ठो लॉक को हल्का कर देना है। ये लॉक तीनों खोलना है और यहाँ पे तीन ठो स्क्रू खोलना है। तो बाकी यहाँ पे कैमरा का जो पार्ट है, ये है, यहाँ पे कैमरा रहता है। ये पार्ट खोलने से, यहाँ पे जो स्क्रू है, तीन ठो स्क्रू खोलने से, ये कैमरा का हिस्सा है, बोर्ड है, ये बोर्ड के साथ कैमरा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे तीन ठो स्क्रू है, ये तीनों स्क्रू खोलने से कैमरा बाहर को चला आएगा। ये है लेजर यूनिट। इस लेजर यूनिट को साफ करना है। यहाँ इसका अंदर से जो इमेज बाहर को आता है, उस इमेज में अगर बाहर आने वक्त जो कैमरा है इसका अंदर, उस कैमरा अगर क्लीन नहीं रहता है, तब आपका इमेज वैसा लाइट आता है। कोई भी साइड में, जिस साइड में गंदगी रहता है, उस साइड पर लाइट होता है। तो चलिए, हम इसको खोलते हैं, आप भी खोल सकते हैं। तो कैसे खोलते हैं चलिए दिखा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, या ऊपर में जो स्क्रू है, तीन चार ठो स्क्रू रहता है, यहाँ पे थ्री स्क्रू है, तो इस तीन ठो स्क्रू को खोल दीजिए। खोलने के बाद यहाँ पे एक लॉक सिस्टम रहता है, उस लॉक को पुश करके आपको खोलना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे साइड में जो लॉक है, इस लॉक को पुश कीजिए, करने के बाद ऊपर को प्रेस कीजिए, तो ये खुलेगा। यहाँ पे तीन ठो है, तीनों को उसी तरफ पुश करो और बाहर को खोलो, मतलब ये जो लॉक है, लॉक को बाहर को लाओ और ऊपर को पुश करो, तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया। यहाँ पे जो है मेन, यही है मेन यूनिट जहाँ से आपका इमेज बाहर को रहता है। तो यहाँ पे सिक्स हेड, एक
चीज दिखाई दे रहा है, इसका साइड में हमको क्लीन कर लेना है। इस साइड में क्लीन कर लो,